हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे बिहार करंट अफेयर स्पेशल, जो हमारा एडुटेरिया का बुक है। और ये बिहार करंट अफेयर का जो बुक है, ये बीपीएससी, सीडीपीओ और सचिवालय सहायक एग्ज़ाम के लिए और जो भी बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, उस सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है ये। तो उसी से संबंधित हम पहले कुछ बात करते हैं, फिर साथ साथ में हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो 500 प्रश्न है इसमें दिया हुआ, उसका मास्टर वीडियो होगा, यानी कि 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो होगा। और इसमें जो भी प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव के, उसे हम देखेंगे और साथ में कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे भी हम देखेंगे। और इसका, इस बुक का पूरा कंप्लीट जो बुक है, उसका पीडीएफ मैंने टॉपिक वाइज डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। और इसका भी एक मास्टर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। जो टॉपिक वाइज है, सारा का मैंने टॉपिक वाइज क्लियर कर दिया है, जो एक मास्टर वीडियो के रूप में आप लोगों को दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं, एक झलक आप लोग देख ले यहाँ पे कि जो भी टॉपिक है, उस सभी को हमने कंप्लीट कराया है। तो आपको टोटल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, 12th तक कंप्लीट हो, सॉरी 12th तक कहते हैं यहाँ, 20 तक कंप्लीट हो चुका है। और आज हम 21 करने वाले हैं। 21 में आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो बिहार से संबंधित है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कहें तो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 10 प्रैक्टिस सेट हैं, जो हर 50-50 प्रैक्टिस सेट का एक प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो जगदीश प्रसाद मंडल को जो है मैथिली भाषा में दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में। और इनका जो उपन्यास का नाम है वो पंगु है, इनके लिए इनको दिया गया है। तो आंसर आपका सी होना चाहिए कि दोनों कथन सही है। और इससे संबंधित हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका पहले शुरुआत जो हुआ था वो 1955 में स्टार्ट हुआ था। और 1955 जब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पहले व्यक्ति जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले थे, उनका नाम माखनलाल चतुर्वेदी था, ठीक है। और इनका हिम तरंगनी एक उपन्यास था, जिनके लिए इन्हों सबसे पहले 1955 में पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद फिर बात करते हैं इसमें कितने भाषा में दिया जाता है। तो इसे 20 भाषा के लिए दिया जाता है, साहित्य अकादमी 20 भाषा के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है ये आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है चंद्रशेखर कंबार। ये 2022 तक के लिए बने हैं, चंद्रशेखर कंबार, 2018 से 2022 तक इनका कार्यकाल है। उसके बाद बात करते हैं कुछ भाषा में जो अभी दिया गया है। हिंदी के लिए जो दिया गया है, ये तो जो हम देखे हैं अभी वो मैथिली का था। हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, अशोक, सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा। और अंग्रेजी के लिए जो दिया गया है, अंग्रेजी में किन्हें दिया गया है, तो अंग्रेजी के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार नामिता गोखले का, जिनकी पुस्तक का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ये उनका उपन्यास है जिनके लिए इन्हें दिया गया। तो सबसे पहले इस सारे पॉइंट को हम समझे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला अमृता प्रीतम थी, और यह एक पंजाबी थी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो इससे संबंधित हम सारे प्रश्न को क्लियर किए। अब सेकेंड प्रश्न है आपका कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षक में 70% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक का यह लक्ष्य रखा गया है कि बिहार सरकार द्वारा 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 70% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है 3 नंबर, ये बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। मॉडल टाउन के रूप में विकसित जो किया जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 शहर को जो है वो मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। वो 6 शहर है आपका मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है आपका कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार देश में अपराध के मामले बिहार में किस स्थान पे है।
तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बिहार की बात करते हैं कि बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार का स्थान तो इसमें 25वां है। अब बात करते हैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट यानी NCRB, और इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना 1986 में हुआ था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्थापना 1986 में हुआ था। और इसका जो आंकड़ा है उसके अनुसार प्रथम राज्य जो है वो आपका राजस्थान है, दूसरे स्थान पे यूपी है, और बिहार का स्थान इसमें बात करें तो बिहार का स्थान इसमें 25वां है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2022 से लेकर 23 के अनुसार बिहार में पहले पहल चरण के अंतर्गत किन तीन जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। तो मेगा स्किल सेंटर, सबसे पहले मेगा स्किल सेंटर को समझते हैं। मेगा स्किल सेंटर जो है इसे युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उसे स्वावलंबी बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी युवा हैं उन्हें कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। और इसके तहत जो शहर की बात हो रही है बिहार में, जिला की बात हो रहा है, वो तीन जिला है बिहार के। एक है आपका पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा दरभंगा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो देखिए, बिहार के जो नए सूचना आयुक्त बने हैं वो फूल चंद्र चौधरी इससे पहले थे, अब त्रिपुरारी शरण होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो हम यहाँ थे के लिए जो बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये आपका है मधु कंगारिया। मधु कंगारिया को दिया गया है। सुधा मूर्ति की भी काफ़ी पुस्तक, 9 टोटल अभी तक इनका पुस्तक देखा गया है, जिसमें से कुछ इनका जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ बात करते हैं महाश्वेता, उसके बाद डॉलर बहू, ये सब इन्हीं की पुस्तक का नाम है सुधा मूर्ति का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधु कंकारिया। इन्हें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और इनकी जो उपन्यास है उसका नाम है हम यहाँ थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित सबसे पहले हम सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं, फिर इसे देखेंगे। तो स्वामी सहजानंद जो जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो जयंती मनाया गया है, ये 133वीं जयंती मनाया गया है। इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में गाजीपुर का जिला देवग्राम में हुआ था। जिला इनका है कौन सा, देवग्राम में। और इनका मृत्यु जो है वो बिहार के पटना में हुआ था। और इनके पत्रिका का जो नाम था हुंकार था, इनका एक पत्रिका था जिसका नाम क्या था, हुंकार था। उसके बाद बात करते हैं बिहार में इन्हें किसान आंदोलन का जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पुरस्कार दिया गया। तो सफल उद्यमी का जो पुरस्कार दिया गया है उस महिला का नाम है वहीदा अहमद। वहीदा अहमद जो महिला है इन्हें पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया। उद्यमी का पहला पुरस्कार किसे दिया गया, वहीदा अहमद को। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 10 नंबर। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डीजीपैक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध GI टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगही पान को GI टैग प्रदान किया गया डीजीपैक्स 2022 में। बिहार के प्रसिद्ध GI टैग उत्पादन में विशेष आवरण का विमोचन किया गया मगही पान को। GI टैग से संबंधित कुछ बात करते हैं। देखिए, GI का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है। और GI टैग जो है वो किसी भी राज्य या फिर देश के जो कोई भी फेमस चीज होता है उसे दिया जाता है उसकी भौगोलिक पहचान के लिए। और सबसे ज़्यादा अभी तक किसी राज्य में GI टैग दिया गया है तो वो कर्नाटक राज्य में दिया गया है। और टोटल 42 चीज़ों को दिया गया है अभी तक GI टैग। नेक्स्ट बात करते हैं, और GI टैग का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चेन्नई तमिलनाडु में जो है GI टैग का हेडक्वार्टर है। उसके बाद GI टैग 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था GI टैग सबसे पहली बार। और यह जो है हर 10 वर्ष पर दिया जाता है। और अभी तक टोटल बात करें तो 300 से ज़्यादा मतलब फ्रूट वगैरह को जो GI टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं GI टैग से संबंधित जो भी पॉइंट था उसे क्लियर किए।
और एक एक प्रश्न और है कि जीआई टैग का जो बिल पास हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका जो बिल है वो 2003 में पास हुआ था और इसे दिया जाता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर, मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादकों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार के मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार के जैविक उत्पादकों को विशिष्ट पुरस्कार से प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक के मंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें बिहार को जो स्थान प्राप्त हुआ वो तीसरा हुआ है। यह कर्नाटक के मंगलोर में खेला गया है 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन, और इस चैंपियनशिप में बिहार का स्थान तीसरा प्राप्त हुआ है। अगला बात करते हैं कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? तो बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में बूढ़ी गंडक और बागमती, इस दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में बीच के सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है 2022 के बीच निर्यात के मामले में, बीच सभी राज्यों की सूची में बिहार का 22वां स्थान है। अगला है, पटना नगर निगम द्वारा निशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता ऐप। स्वच्छता ऐप को जो है इसे पटना नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया। अगला देखते हैं कि वाणिज्य उद्योग के द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर बात करें तो शीर्ष स्थान पर बेगूसराय है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोग को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेज को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? तो ये जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, बिहार पहला राज्य बना जिसने अपनी भूमि को डिजिटाइज दस्तावेज पर हासिल करने की सुविधा को देगी और घर बैठे आप इसे ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 19 में मातृ मृत्यु दर क्या थी? तो मातृ मृत्यु दर जो है ये 2017 से लेके 2019 का आंकड़ा है, इसके अनुसार 130 हो गया है। अगला है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे यानी SRS की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर IMR 2019 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर जो है ये हो गया है 29, प्रति व्यक्ति मर जाता है हजार जीवित जन्म पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? क्या नाम है इनका? यह एक समाज सेवी है अमित कुमार पासवान और इन्हें 2022 में भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका संबंध बिहार के नालंदा जिले से है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़े के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया जिसे नाम दिया गया। तो बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंध और नदियों से संबंधित आंकड़ों को बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है, उस सिस्टम का नाम है बीम्स। क्या नाम है? बीम्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस ट्रांसक्यून इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाव्या सिंह। नाव्या सिंह जो है ये मिस ट्रांसक्यून इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। उसके बाद देखते हैं 23 नंबर,
23 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने COVID-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। तो यह जो है मधुबनी जिले के यानी बिहार से संबंधित है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जो है डॉक्टर आशीष कुमार झा, ये बिहार के मधुबनी जिले से हैं और इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने COVID-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। उसके बाद है 24 नंबर, हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो मनोहर कुमार इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? चेंज मेकर अवार्ड 2022, और ये बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित हैं। नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया? तो हाफ मैराथन का जो आयोजन किया गया वो पटना जिला में किया गया, और यह नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, इसमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? तो सूटकेस इन्वर्टर विकसित करने वाला पहला इंजीनियरिंग संस्थान जो बना है IIT पटना बना है। अगला देखते हैं, और NIT पटना की बारे में बात करें तो हिंदी भाषा में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना है NIT पटना, ये भी याद रखिएगा। अगला है 27 नंबर, GSI की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है? तो 223 मिलियन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू में। GSI के एक रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के जम्मू जिले में है, जहां 243 मिलियन टन जो है वो सॉरी 243 बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है सॉरी 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में। ओढ़नी डैम जो है ये बिहार के बांका जिले में स्थित है। कोसी नदी के किनारे स्थित गुआरीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए हैं, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। कोसी नदी के किनारे स्थित गुआरीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है, यह भागलपुर जिले में स्थित है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांका। बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50,000 रुपये का लागत लगाकर मोर अभ्यारण्य बनाने की पहल शुरू की गई है, ताकि इसे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या 263 हो गई, सही है। इसके बाद बिहार में नगर निगम की संख्या 19 हो गई है, और इसके बाद बिहार में नगर परिषद की संख्या 89 हो गई और नगर पंचायत की संख्या 155। तो ये सभी आपका सही है। तो कैबिनेट की एक मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या 263, नगर निगम की संख्या 19 और नगर परिषद 89, नगर पंचायत 155 हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में पुलिस एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, वो नंबर क्या है? तो एक जो इमरजेंसी नंबर बिहार में जारी किया गया है ये इमरजेंसी नंबर आपका होगा 112। बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNV प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? DNV प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतिहारी सदर अस्पताल में बिहार के DNV प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,37,691.19 करोड़ रुपया। 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 618.63 हजार करोड़ रुपया वर्तमान मूल्य पर रहा है। 49 नंबर प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला एंड लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था। तो राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन जो अनुमानित था ये था आपका 17.95 लाख टन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब प्रैक्टिस सेट दो देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस देश सॉरी किस जिले में बनाया जा रहा है। तो बिहार का पहला और देश का ये दूसरा है वानिकी कॉलेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जाँच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम है दृष्ट ऐप। और ये दृष्ट ऐप जो है ये जल संसाधन विभाग के द्वारा जो मंत्री कौन है संजय कुमार झा, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज बाजपेयी को बिहार के अभिनेत्री हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से इनका वेब सीरीज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। अगला है हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो पंगू के लिए दिया गया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश प्रसाद मंडल, ये जो है इन्हें जगदीश प्रताश सॉरी तो आंसर इसका हो गया बी। अगला देखिए कि बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शकीबुल गनी, ये बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बना। ईशान किशन, ईशान किशन का संबंध कहाँ से है, तो ये ईशान किशन का जो संबंध है ये हो जाएगा आपका झारखंड के लिए खेलते हैं। अनुकूल राय का संबंध बिहार समस्तीपुर से है। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई। तो जू सफारी की शुरुआत राजगीर में किया गया है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है ये बने हैं आपके मनोज तिवारी, भोजपुरी फिल्म के जो मूवी है उन्हें बनाया गया है। अगला प्रश्न दीजिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती, हाइड्रोपोनिक कहें तो बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है। तो बिना मिट्टी की खेती का शुरुआत यानी हाइड्रोपोनिक पद्धति पर कृषि का शुरुआत जो किया गया है ये किया गया है भोजपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 9 नंबर, बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी। तो बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला जो रखा गया है ये सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर होगा और इसका निर्माण किया जा रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पूर्वी चंपारण याद रखिएगा। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत में ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। तो पटना में वंदे भारत ट्रेन की जो शुरुआत की जाएगी 2022-23 के बजट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जो दिया गया है ये दिया गया प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को। अगला है 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिरला,
17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबोरा द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित वीजा और शाबोर फर्स्ट विकसित की गई है। तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबोर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज साबोर फर्स्ट विकसित की गई है। तो साबोर फर्स्ट जो विकसित किया गया है ये मखाना का बीज है, जिसे फसल प्रजा यह एक फसल की प्रजाति है जिसका नाम है साबोर फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के मुंगेर जिला में नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया। कहाँ पे? मुंगेर में। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट यानी समाहरणालय का कौन बन गया है। अगला देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर पहले बता दें आपको, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहरसा में पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट बन गया है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखते हैं, हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीद की मूर्ति का अनावरण किया है। तो अमर शहीद के मूर्ति का अनावरण जो किया गया है ये नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और यह मुंगेर जिला में किया गया है। अगला है, 14 से लेकर 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो 14 से लेकर 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया ये किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 251 मीटर होगी उसे स्थापित की जा रही है। तो इसे पूर्वी चंपारण में किया जा रहा, सॉरी पूर्वी चंपारण कहते हैं, सॉरी सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 251 मीटर है इसे स्थापित की जा रही है और यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में होगा। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अरवन मिथिला हट का निर्माण किया जा रहा है। अरवन मिथिला हट का निर्माण जो किया जा रहा है बिहार के मधुबनी जिले में, और इससे क्या होगा कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद है कि 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिक की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो किसान संगोष्ठी का आयोजन 75वें वर्ष जो आज़ादी का हो गया था उसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया और यह किसान संगोष्ठी का आयोजन जो किया गया है ये किया गया कैमूर भभुआ में। बिहार सरकार ने किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है। स्माइल योजना जो है वो भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम योजना के तर्ज पर किया गया है। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बना है अपना बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत हुआ है। कोसी सफारी का शुरुआत किस जिले में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी सफारी, इसका करेक्ट आंसर है सुपौल। बिहार के सुपौल जिले में जो है ये कोसी सफारी की शुरुआत की गई है। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने समझौता किया है ये सिडबी के साथ। किसके साथ? सिडबी के साथ। अगला देखते हैं, पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप श्रेष्ठ को। दीप श्रेष्ठ पटना के अभिनेता और निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है, हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में बिहार का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है।
तो बिहार का जो 200 चुनिंदा हवाई अड्डा है उसमें से बिहार का जो हवाई अड्डा चुना गया है ये हवाई अड्डा आपका हो जाएगा पटना का। कहाँ का? पटना का हवाई अड्डा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी जिसका नाम अल्फा का निर्माण किस जिले में किया गया? तो यह जो है आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसका नाम अल्फा है और इसका निर्माण जो किया गया है ये बिहार के किस जिले में किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो बिहार के पटना जिले में अल्फा का निर्माण किया जा रहा है। पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में बिहार जिले को जो प्रथम स्थान, बिहार का जो जिला प्रथम स्थान पे है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहानाबाद, प्रथम स्थान पे है बिहार में। उसके बाद है फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी बांका जिले को। बांका जिले को जो है 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में, वो तो शहरी क्षेत्रों का हम बात किए थे, अब बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों का, तो बांका हो जाएगा। अगला है बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जा रहा है? तो बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय जो स्थापित किया जाएगा ये वाल्मीकि नगर में किया जाएगा। बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र का जो स्थापना किया जाएगा ये किया जाएगा आपका पटना में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध मैथिली साहित्य लीली रे का निधन हो गया, उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका लीली रे जिनकी मृत्यु हो गई उनका उपन्यास 1982 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था। इनके उपन्यास का नाम था मरीच का। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम का पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम का पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी के प्रसाद योजना में इसे शामिल किया गया है। अगला देखिए 38 नंबर, बिहार सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। अगला 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पांचवा न्यायालय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पटना उच्च न्यायालय जो है देश का पहला उच्च न्यायालय हो पहला न्यायालय होगा सॉरी पांचवा न्यायालय होगा जो कि अपने मुकदमों को ऑनलाइन यूट्यूब पर प्रसारण करेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी VCI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो VCI का चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है ये बने हैं मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा को VCI के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 41 नंबर है कि बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित जो किया गया है ये आपके हो जाएंगे रोहित कुमार को। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो फरवरी 2022 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। अगला देखते हैं हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ये जो बिहार के क्रिकेटर हैं मुंबई इंडियंस ने इसे खरीदा है, तो ये आपके हो जाएंगे ईशान किशन।
बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले में कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो जैविक सब्जियों का आउटलेट जो खोला गया है ये बिहार के पटना जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला का भवन का निर्माण किया गया है? तो मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय दोनों का निर्माण जो किया जा रहा है ये बिहार के मधुबनी में। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ही बताए थे थोड़ा देर पहले ही प्रैक्टिस सेट वन में कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो प्रधान सचिव बने हैं उनका नाम है डॉक्टर एस सिद्धार्थ। अगला है, हाल ही में बिहार के तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है, यह किसकी सहायक नदी है? कौन सी नदी? तिलावे नदी। और इसकी किसकी सहायक नदी है? तो ये कोसी की सहायक नदी है तिलावे नदी, और इसे पुनर्जीवित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। बनावरण प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो पूछा जा रहा है कि बिहार में बनावरण प्रतिशत की दृष्टि से अवरोही क्रम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर, ये इसका सही अवरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा कैमूर का ही है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 यानी 2000, ये जो है 7 निश्चय 2 2020 से लेकर 2025 तक के लिए है, और इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान किया कितना है? तो कुल बजट का जो प्रावधान है ये हो जाएगा आपका 5000 करोड़ रुपये का। अगला प्रश्न है एंड लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। बिहार का पटना जिला जो है ये सर्वश्रेष्ठ पर मतलब सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पर रहा है, क्योंकि ये जो है जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में, और ये जो है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार है, और 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में पटना जिला सबसे शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,37,691.19 करोड़ रुपया। 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल पर कितना रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 618.63 हजार करोड़ रुपया वर्तमान मूल पर रहा है। 49 नंबर प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला एंड लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था, तो राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन जो अनुमानित था ये था आपका 17.95 लाख टन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला और देश का ये दूसरा है वानिकी कॉलेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम है दृष्ट ऐप, और ये दृष्ट ऐप जो है ये जल संसाधन विभाग के द्वारा जो मंत्री कौन है संजय कुमार झा, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज बाजपेयी को बिहार के अभिनेत्री हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से इनका वेब सीरीज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया।
अगला है, हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो पंगू के लिए दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश प्रसाद मंडल। ये जो है इन्हें जगदीश प्रताश सॉरी, तो आंसर इसका हो गया बी। अगला देखिए कि बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शकीबुल गनी। ये बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बना। ईशान किशन, ईशान किशन का संबंध कहाँ से है? तो ये ईशान किशन का जो संबंध है ये हो जाएगा आपका झारखंड के लिए खेलते हैं। अनुकूल राय का संबंध बिहार समस्तीपुर से है। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई? तो जू सफारी की शुरुआत राजगीर में किया गया है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सीएम नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है ये बने हैं आपके मनोज तिवारी, भोजपुरी फिल्म के जो मूवी है उन्हें बनाया गया है। अगला प्रश्न दीजिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती, हाइड्रोपोनिक कहें तो बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो बिना मिट्टी की खेती का शुरुआत यानी हाइड्रोपोनिक पद्धति पर कृषि का शुरुआत जो किया गया है ये किया गया है भोजपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 9 नंबर, बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी? तो बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल की आधारशिला जो रखा गया है ये सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर होगा और इसका निर्माण किया जा रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पूर्वी चंपारण याद रखिएगा। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत में ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी? तो पटना में वंदे भारत ट्रेन की जो शुरुआत की जाएगी 2022-23 के बजट के अनुसार, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जो दिया गया है ये दिया गया प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को। अगला है, 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौरा द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित वीजा और साबोर फर्स्ट विकसित की गई है? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज साबोर फर्स्ट विकसित की गई है? तो साबोर फर्स्ट जो विकसित किया गया है ये मखाना का बीज है, जिसे फसल प्रजा यह एक फसल की प्रजाति है जिसका नाम है साबोर फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के मुंगेर जिला में नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया, कहां पे? मुंगेर में। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट यानी समाहरणालय का कौन बन गया है? अगला देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर पहले बता दें आपको, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहरसा में पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट बन गया है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखते हैं, हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को।
हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीद की मूर्ति का अनावरण किया है? तो अमर शहीद के मूर्ति का अनावरण जो किया गया है, ये नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और यह मुंगेर जिला में किया गया है। अगला है, 14 से लेकर 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो 14 से लेकर 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया, ये किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 251 मीटर होगी उसे स्थापित की जा रही है? तो इसे पूर्वी चंपारण में किया जा रहा, सॉरी पूर्वी चंपारण कहते हैं, सॉरी सॉरी सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 251 मीटर है इसे स्थापित की जा रही है और यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में होगा। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अरवन मिथिला हट का निर्माण किया जा रहा है? अरवन मिथिला हट का निर्माण जो किया जा रहा है बिहार के मधुबनी जिले में, और इससे क्या होगा कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद है कि 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिक की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो किसान संगोष्ठी का आयोजन 75वें वर्ष जो आज़ादी का हो गया था उसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, और यह किसान संगोष्ठी का आयोजन जो किया गया है ये किया गया कैमूर भभुआ में। बिहार सरकार ने किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? स्माइल योजना जो है वो भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम योजना के तर्ज पर किया गया है। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बना है अपना बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर कि बिहार सॉरी हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत हुआ है? कोसी सफारी का शुरुआत किस जिले में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी सफारी, इसका करेक्ट आंसर है सुपौल। बिहार के सुपौल जिले में जो है ये कोसी सफारी की शुरुआत की गई है। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने समझौता किया है ये सिडवी के साथ। किसके साथ? सिडवी के साथ। अगला देखते हैं, पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीप श्रेष्ठ को। दीप श्रेष्ठ पटना के अभिनेता और निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है, हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में बिहार का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो बिहार का जो 200 चुनिंदा हवाई अड्डा है उसमें से बिहार का जो हवाई अड्डा चुना गया है ये हवाई अड्डा आपका हो जाएगा पटना का। कहाँ का? पटना का हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी जिसका नाम अल्फा का निर्माण किस जिले में किया गया? तो यह जो है आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसका नाम अल्फा है और इसका निर्माण जो किया गया है ये बिहार के किस जिले में किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो बिहार के पटना जिले में अल्फा का निर्माण किया जा रहा है। पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में बिहार जिले को जो प्रथम स्थान, बिहार का जो जिला प्रथम स्थान पे है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहानाबाद, प्रथम स्थान पे है बिहार में। उसके बाद है, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी बांका जिले को। बांका जिले को जो है 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में, वो तो शहरी क्षेत्रों का हम बात किए थे, अब बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों का, तो बांका हो जाएगा। अगला है, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जा रहा है?
तो बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय जो स्थापित किया जाएगा ये वाल्मीकि नगर में किया जाएगा। बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र का जो स्थापना किया जाएगा ये किया जाएगा आपका पटना में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध मैथिली साहित्य लीली रे का निधन हो गया, उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका कॉल लीली रे जिनकी मृत्यु हो गई उनका उपन्यास 1982 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था। इनके उपन्यास का नाम था मरीचिका। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम का पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम का पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी के प्रसाद योजना में इसे शामिल किया गया है। अगला देखिए 38 नंबर, बिहार सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। अगला है 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पांचवा न्यायालय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पटना उच्च न्यायालय जो है देश का पहला उच्च न्यायालय हो पहला न्यायालय होगा सॉरी पांचवा न्यायालय होगा जो कि अपने मुकदमों को ऑनलाइन यूट्यूब पर प्रसारण करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी VCI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो VCI का चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है ये बने हैं मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा को VCI के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 41 नंबर है कि बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित जो किया गया है ये आपके हो जाएंगे रोहित कुमार को। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो फरवरी 2022 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। अगला देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ये जो बिहार के क्रिकेटर हैं मुंबई इंडियंस ने इसे खरीदा है तो ये आपके हो जाएंगे ईशान किशन। बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले में कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो जैविक सब्जियों का आउटलेट जो खोला गया है ये बिहार के पटना जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला का भवन का निर्माण किया गया है? तो मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय दोनों का निर्माण जो किया जा रहा है ये बिहार के मधुबनी में। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ही बताए थे थोड़ा देर पहले प्रैक्टिस सेट वन में कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो प्रधान सचिव बने हैं उनका नाम है डॉक्टर एस सिद्धार्थ। अगला है, हाल ही में बिहार के तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है यह किसकी सहायक नदी है? कौन सी नदी? तिलावे नदी। और इसकी किसकी सहायक नदी है? तो ये कोसी की सहायक नदी है तिलावे नदी और इसे पुनर्जीवित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो पूछा जा रहा है कि बिहार में वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से अवरोही क्रम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जमुई नवादा और मुंगेर, ये इसका सही अवरोही क्रम है, सबसे ज्यादा कैमूर का ही है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 यानी 2000 ये जो है 7 निश्चय 2 2020 से लेकर 2025 तक के लिए है और इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान किया कितना है? तो कुल बजट का जो प्रावधान है
ये हो जाएगा आपका 5,000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, 50 नंबर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था। तो बिहार का पटना जिला जो है ये शीर्ष पर था प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, इसे हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर जो है यह स्थापित किया जाएगा भागन बिगहा बिहार शरीफ में। भागन बिगहा जगह है बिहार शरीफ में, उस वहीं पर स्थापित किया जाएगा बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है। तो पूर्वी चंपारण को, पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी चंपारण को जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है। बिहार के पूर्व मंत्री हरि नारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हरि नारायण सिंह वो जो थे, अगर उनका संबंध राष्ट्रीय दल से था, जनता दल से था, सही है। वह 1985 से लेकर 1990 तक जगदीशपुर भोजपुर से विधायक और मंत्री रहे थे, ये भी सही है। उन्हें वित्त राज नौ मंत्री बनाया गया था, उन्हें वित्त राज में मंत्री बनाया गया था। तो ये सभी आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, मंत्री हरि नारायण सिंह के बारे में। अगला है कि बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्रा किस अखबार का प्रकाशन करेगी। तो उच्च विद्यालय की जो छात्रा है वो दीवार अखबार का प्रकाशन करेगी। क्या है? दीवार अखबार का। अगला प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा। तो भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान जो खोला जाएगा ये बिहार में खोला जाएगा। उसके बाद अगला है कि 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया। तो 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ये स्थापित किया जाएगा दरभंगा जिला में। हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र विज्ञान कांग्रेस में शास्त्र विज्ञान को फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो फेलो पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है डॉक्टर अनिल कुमार को। यह हैदराबाद में आयोजित किया गया था और यह 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में शास्त्र विज्ञान का फेलो पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर अनिल कुमार। अगला है 9 नंबर, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है। तो वाल्मीकि रिजर्व तो पहला है और दूसरा जो हो जाएगा वो कैमूर जिले में बनाया जा रहा है। अगला है 10 नंबर कि महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है। तो ई नारी शक्ति ऋण योजना जो है ये महिलाओं को इलेक्ट्रिक बाइक सस्ती दरों पर देने के लिए बैंक ने शुरू किया है, वो बैंक है आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण बिहार का ग्रामीण बैंक, जिन्होंने ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो है इसके तहत, भारत राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे योजना मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है। कौन से योजना को? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं। तो बिहार में इको टूरिज्म के तहत जो पर्यटन स्थल विकसित किया गया है वो है टोटल 8। अगला है बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा। तो बिहार का पहला बैम्बू गार्डन महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जाएगा।
14 नंबर है कि बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। तो आपको पता होगा कि प्रमोद भगत सिंह जो है अभी ओलंपिक से संबंधित ये बहुत चर्चा में रहे हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं और इन्हें हाल ही में पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो उड़ीसा राज्य के कोटे से इन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ना कि उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं, ऐसा मत समझिएगा, ये बिहार के रहने वाले हैं। अगला है कि बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप nachbazaar.com को स्टार्ट बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। तो nachbazaar.com स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत जो शामिल किया गया है, ये किया गया है पटना में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई, इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ। तो नवंबर 2021 के प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग का नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया और इसमें पहला स्थान जो है मिला है ये हो जाएगा आपका खगड़िया को। आकांक्षी जिलों में नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है, प्रथम स्थान बिहार में खगड़िया जिला को मिला है। तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर। गणतंत्र दिवस को 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में किस झांकी का पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। 8 झांकियों में पहला झांकी का जो स्थान मिला है वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के झांकी को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा में आंसू बनी पसरी जाइब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो दिया गया है मैथिली भाषा में आंसू बनी पसरी जाइब के लिए, ये दिया गया है अमित मिश्र को। अगला प्रश्न है कि बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो पटना जिला में जो है ये बनारस के तर्ज पर बिहार के पटना जिला में भी तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं 21 नंबर। बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग के आयोग के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये न्यायमूर्ति संजय कुमार को नियुक्त किया गया है पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक कौन है। मैला आंचल को जापानी भाषा में दोरोनो सुसो के नाम से किसने प्रकाशित किया है। तो इसका नाम करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा इसे किया गया है। तो ये मैला आंचल किसकी पुस्तक है, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है और इसे प्रकाशित किसके द्वारा किया गया। मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। और अब बात करते हैं कि ये जो दोरोनो मुशो है इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है जापानी भाषा में। तो इसे दोरोनो मुशो के नाम से जो प्रकाशित किया गया जापानी भाषा में, इनका नाम है मिक्की यू चेरो, ठीक है, चीरो ये इनका नाम है। और ये जो है ओसाका विश्वविद्यालय जो जापान में है वहाँ पे ओसाका विश्वविद्यालय में मिनो शेम्पा कैंपस में इसका लोकार्पण किया गया। तो ये मैला आंचल पुस्तक के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। तो विधान परिषद जो डिजिटल सदन बन गया है ये हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य का विधान परिषद देश का पहला सदन है जो डिजिटल सदन बन गया है। अगला प्रश्न है बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा किस जिला में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना।
बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा पटना जिला में किया गया। मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, उन्हें एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका नाम है विनोद कुमार। अगला प्रश्न है कि किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया है। तो गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया है और ये किया गया है आपका बिहार के पटना जिले में। गांधी मैदान है कहाँ? पटना जिला में ही है, तो पटना जिला में ही किया गया होगा। 27 नंबर है कि बिहार विधान परिषद चुनाव 2020 के नतीजे के संबंध में कौन सुमेलित है? तो हाल ही में अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा 2020 में उसका चुनाव हुआ था और इसका जो नतीजा है इससे संबंधित देखते हैं कि क्या है। तो दिया है कि जनता दल को इसमें 43 सीट मिला था, सही है। भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट मिला था, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को 75 सीट और कांग्रेस को 19 सीट मिला था। तो सभी कथन जो है आपका बिल्कुल सही है विधानसभा चुनाव के बारे में। अगला देखते हैं 28 नंबर, बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी, नरोध जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी और नरोध जलप्रपात, ये तीनों जो है इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, ये बिहार के जम्मू जिले में है। अगला है कि 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। तो सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? गृह मंत्रालय के द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर। और इसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्रुप बी में बिहार को जो स्थान प्राप्त हुआ है यह स्थान है आपका छठा, बिहार का स्थान इसमें छठा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपभोक्ता क्षेत्र में बिहार को जो स्थान प्राप्त हुआ है ये है पहला। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया और इसमें यह जो है 2021 में 10 सूचकांक पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता के क्षेत्र में बिहार का पहला स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका जो है कितने रुपए का कर्ज देने को तैयार हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8,000 करोड़ का। पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक, जापान सरकार की एजेंसी जाइका, ये तीनों जो है 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने को तैयार है। बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया। तो इस आयोग के जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है ये होगा अधिकतम 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब 33 नंबर देखते हैं प्रश्न, संस्थान वीडी ग्रुप प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया ओम प्रकाश गुंजेला को। ये जो है इन्हें संस्थान वीडी ग्रुप प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया ओम प्रकाश गुंजेला को। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो किसकी खेती पर 50% का अनुमान देने का घोषणा किया है राज्य सरकार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजन, प्याज, रजनीगंधा और चाय, ये चारों की खेती करने पर है जो 50% का अनुदान दिया जाएगा, सहजन, प्याज, रजनीगंधा, चाय। अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है, ये पूर्वी चंपारण में है धनौती नदी। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS 5 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दिया है कि यह कथन कि प्रजनन दर के मामले में बिहार का स्थान जो है वो पहले स्थान पर बिहार है, जहाँ TFR 3 है।
उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटाकर 2 हो गया है, ये भी सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में 1000 पुरुष पर 1090 महिला थी। सभी कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को जारी किया गया। अगला प्रश्न है, अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुछ पाने की जिद जो मनोज वाजपेयी की पुस्तक है, इस किसके द्वारा लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष पांडे के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर 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 पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाई भेजी जा रही है? तो घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाई भेजा जाएगा, ये जो है बिहार में ऐसा नियम है। अगला है कि लेट्स इंस्पायर बिहार या LIV की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? तो लेट्स इंस्पायर बिहार या LIV की शुरुआत जो की गई है ये किया गया है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। बिहार में कानून व्यवस्था और बेहतर करने व जरूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? तो गृह दर्शन। बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने और उसकी जरूरत के समय आम लोगों की मदद करने के लिए गृह विभाग के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है गृह दर्शन। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है और यह किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में छात्रों को सैनिटरी नमकीन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीवोपार्जन योजना के तहत कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,00,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा जो ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन के लिए योजना के तहत 1,00,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। कृपान से घायल हुए सख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाई राजेंद्र सिंह। ये जो थे कृपाण से घायल हुए थे और तख्त श्री हरमिंदर सिंह पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी थे जिनका क्या हुआ, हाल ही में मृत्यु हो गया। अगला है कि किस राज्य सरकार द्वारा 9 जिले में चलाए जा रहे महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे न माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को जिले में लागू किया गया? तो सबसे पहले 9 जिले में चलाए जा रहे हैं महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग के लिए अक्षर आंचल योजना। कौन सा? अक्षर आंचल योजना। और इसके तहत कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को भी सभी जिलों में लागू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में, बिहार राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दिया है कि बिहार की अर्थशास्त्री एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से 2022 से सम्मानित किया गया। कथन आपका सही दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया। तो दोनों कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़े के अनुसार वृक्षावरण क्षेत्र जो है ये हो जाएगा आपका 2341 वर्ग किलोमीटर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80.76% जो है ये बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का 80.76% होने का अनुमानित है। अगला है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था?
तो तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा था ये हो जाएगा आपका 61.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 में स्थिर मूल पर कितना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 566.47 करोड़ रुपया 1000 करोड़ रुपया। अगला है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य 2011-12 में स्थिर मूल पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, तो प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था ये था आपका 34,314 रुपये। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 भी समाप्त हो गया। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं। टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा, तो 3 अभी तक हमने कंप्लीट किया है। आगे देखते हैं, पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के श्रेयांशी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, ये किस क्षेत्र की विधायक है? तो श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है या किस क्षेत्र की विधायक है, तो ये जो है जमुई की विधायक है श्रीषि सिंह। और ये जो है 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की स्वर्ण पदक विजेता रहे। अगला है, 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई, ये जयंती था आपका 137वीं जयंती मनाई गई। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो बिहार में जो पंचायत चुनाव हुआ था ये संपन्न हुआ था 11 चरणों में। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो बिहार में जो है वो 61.13% मतदान हुआ था पंचायत चुनाव में। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025 तक बिहार सरकार का लक्ष्य है कि सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अधिनियम की शुरुआत की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दिया है कि समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई, इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई, इस यात्रा का समापन पटना में हुआ, उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी। बिहार के किस जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का जो शिलान्यास किया गया है ये है आपका गया जिले का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है पटना जिला में। 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट आयोग का बैठक जो किया गया है ये किया गया वाल्मीकि नगर में। अगला प्रश्न है, राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सांस कार्यक्रम का संबंध जो है वो निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान से संबंधित है सांस कार्यक्रम। उसके बाद है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है? तो कचरा मुक्त शहर का दर्जा जो बिहार का दिया गया है ये है आपका बिहार का सुपौल जिला। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो सभी कैंटीन में दीदी की रसोई चलाया जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर है बिहार में। और ये जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है, दीदी की रसोई, तो जीविका के द्वारा चलाया जाएगा। अगला है कि कोरोना सहित अन्य प्रकार के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब जो बनाया गया है बनाया जाएगा IGMS पटना में। संसद द्वारा राष्ट्रीय अशोधी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई, इसके तहत बिहार के किस फॉर्मी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर अशोधी शिक्षा एवं शोध संस्थान को संसद द्वारा राष्ट्रीय अशोधी शिक्षा एवं अनुसंधान संशोधन विधेयक 2021 के द्वारा इसे मंजूरी दिया गया। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य सरकार ने
पंचायत अपने पंचायत चुनाव में बिहार के तर्ज पर पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दिया है कि इस रैंकिंग में 5 जिले को, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिला भी शामिल है। बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है कि नीति आयोग के द्वारा जो है वो चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए, और इसमें जो है वो 5 जिला इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है, जो सबसे पहले मुजफ्फरपुर है बिहार का, फिर दूसरा स्थान औरंगाबाद का है, तीसरा शेखपुरा जिला इसमें शामिल है और इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिले को पहला स्थान मिला है और इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सभी कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बिक्री के मामले में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिलाकर देखा जाए तो बिहार का इसमें चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ विहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो टॉयलेट क्लिनिक जो बिहार का पहला खोला जाएगा, ये खोला जाएगा कुढ़नी, मुजफ्फरपुर में। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया जिले को हरियाली बढ़ाने के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो बिहार का पहला स्थान जो है मधुबनी जिले का है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ESQR ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो स्विट्जरलैंड ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को अपने यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, बिहार से 11 से लेकर 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे? 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये जो किया गया है आपका राजगीर में किया गया है। 23 नंबर प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन और फसाई की संयुक्त पहल पर इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार को किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है? तो बिहार के किस शहर को जो है 20 शीर्ष शहर में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना शहर को शामिल किया गया है। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग की 11वीं और 12वीं के बच्चे के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा 11वीं और 12वीं के बच्चे के जो विषय में डाउट है उसे क्लियर करने के लिए एक ऐप जारी किया गया है, उस ऐप का नाम है फिलो ऐप, ऑप्शन नंबर बी, फिलो ऐप। 25 नंबर है, किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई 2022 से जो है एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण पर, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री, उपयोग सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है, आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन दिया है आपका कि बड़े राज्य की श्रेणी में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, बड़े राज्य की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में, छोटे राज्य की श्रेणी में केरल शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है और झारखंड को अंतिम स्थान। सभी कथन आपका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज का निर्माण कार्यक्रम शुभारंभ किया गया? तो बैराज के निर्माण का कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया है ये किया गया है आपका मधुबनी जिला में। कहाँ? मधुबनी जिला में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 नंबर देखिए कि बिहार के किस जिले के कुसहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बनी है? तो यह शिवहर की है। कहाँ की है? शिवहर की है, जो सबसे कम उम्र की महिला, सबसे कम उम्र की है जो मुखिया बनी है और ये कुसहर पंचायत से चुनाव जीती है। अगला प्रश्न है, 29 नंबर कि बिहार के किस शहर में मैसर्स वारुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट
ड्रिंक प्लांट स्थापना किया जाएगा। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट का स्थापना जो किया जाएगा, ये किया जाएगा बरौनी बेगूसराय में। बिहार के किस भवन या संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार संग्रहालय को जो है AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड से प्रदान किया गया है। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बिहार पुलिस के द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है, इससे अपराधियों का लेखा जोखा रखा जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार पुलिस द्वारा राज्य के गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस अवशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो अभियान जो शुरू किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार, इससे क्या होगा कि जो भी अपराधी गिरफ्तारी और शराबबंदी से संबंधित होंगे उनकी कार्रवाई के लिए विशेष अभियान या ऑपरेशन प्रहार। अगला है नीति आयोग के द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार का स्थान जो प्राप्त हुआ है, बिहार का स्थान इसमें 18वां है। यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और यह चौथा स्वास्थ्य सूचकांक है 2021 का, जिसमें बिहार का स्थान 18वां है। बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के भोजपुर जिले में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। 34 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 35 देखिए कि हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारम्भ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य जो बना है ये है आपका बिहार। स्वच्छ रक्तदाता स्मार्ट कार्ड को शुभारंभ करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। बिहार सर्व राज्य के पर्यटन पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश में बिहार राज्य के पर्यटन पर राज्य भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गोविंद भोग चावल के लिए जो प्रथम जिला है बिहार का वो है आपका कैमूर। कैमूर जिला जो है गोविंद भोग चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध है। अगला देखिए 38 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति पर आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है। अगला देखते हैं बिहार के किस जिले के प्राथमिक विश्वविद्यालय मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो नटखट साइंस लैब मोक्षदा में खोला गया है और ये जो है प्राथमिक विश्वविद्यालय में है, तो ये किस जिले में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर जिला में खोला गया है नटखट साइंस लैब। केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार के पूर्णिया जिले में नेचुरल फाइबर पार्क बनाया जाएगा। यह केंद्र सरकार के द्वारा और सूक्ष्म लघु मध्यम यानी MSME की स्फूर्ति योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डुहरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया? तो राजकीय मध्य विद्यालय डुहरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है ये गया जिले में। मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो सबसे पहले इनका नाम याद रखिएगा, ये शम्स आलम कहाँ के हैं? मधुबनी जिले के हैं, बिहार के रहने वाले हैं और इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ का अवार्ड दिया गया है। और ये जो है एक क्या है, तो एक पैरा तैराकी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण जो किया जा रहा है मोकामा पटना में किया जा रहा है। बिहार सरकार किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया है? ई निश्चय पोर्टल बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना के तहत जो भी योजनाएं चल रही है उससे संबंधित अगर कोई शिकायत है तो इसे दर्ज किया जा सकता है और ये जो है पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बिहार के किन जिलों में कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8-8 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। कहाँ पे? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है कि विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिका को जागरूक करने के लिए बिहार में किस संस्था द्वारा राज्य में 22 जिलों में उड़ान अभियान की शुरुआत की गई है। तो उड़ान अभियान जो है इसे विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह है, दहेज उत्पीड़न है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, इस सबको इस सबसे बालिका को जागरूक करने के लिए संस्था के द्वारा 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया गया है। इसे शुरू किया है महिला एवं बाल विकास निगम ने। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो न्यूनतम पता है कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा में। तीन जिले में सबसे न्यूनतम है जिसमें शेखपुरा इसमें ऑप्शन दिया है। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व कितना अनुमानित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1,91,956.67 करोड़ रुपया। अगला प्रैक्टिस सेट यहाँ का स्टार्ट हो गया है, यहाँ से प्रैक्टिस नंबर 5, इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में छठा धर्म सम्मेलन का आयोजन किस विद्यालय परिसर में किया गया? तो छठा धर्म सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है ये किया गया नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में। अगला प्रश्न देखिए दो नंबर कि वर्ष 2020 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2020 में बिहार के जो व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला है इसमें बिहार के कुल 7 व्यक्ति थे जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से, तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज फर्नांडिस को, जो मरणोपरांत जो राजनीति से संबंधित थे इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है? तो एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट जो है हाल ही में बिहार में बना था और ये एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है। अगला है 14 से लेकर 27 नवंबर तक आयोजित 40वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया है? तो पार्टनर स्टेट के रूप में बिहार को चुना गया है 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। 75वें स्कॉच समिट में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये प्रशासनिक सुधार मिशन जो है वो हो जाएगा आपका बिहार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मुजफ्फरपुर रहने वाले शरद कुमार को पैरा हाई जंप को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों कथन बिल्कुल सही है। बिहार के किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? बाल फिल्म महोत्सव 2021 तो ये बिहार के पटना जिले में किया गया है। हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग जो दिया गया है मिथिला क्षेत्र में ये दिया गया है आपका मखाना को। निम्नलिखित में से किसे लोक मामले के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लोक मामले के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रामविलास पासवान को और वो भी मरणोपरांत। अगला है वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण एवं पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 4, यानी कि 2021 के लिए बिहार के व्यक्ति पद्म विभूषण पाने वाले 1 और पद्म श्री सम्मान से पाने वाले व्यक्ति की संख्या 4 है। अगला है वर्ष 2021 के लिए पद्म श्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत साहित्य शिक्षा में दिया गया था पुरस्कार पद्मश्री। दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में, दिलीप कुमार सिंह को कला के क्षेत्र में, ये संबंधित नहीं है। रामचंद्र मांझी को कला के संबंध क्षेत्र में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपया देने की घोषणा की है। 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? तो 19 नवंबर को 552वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है
कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्रों को सशक्त करने के लिए स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये कार्यक्रम किशोरी मंच कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा स्कूली छात्राओं को सशक्त करने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर प्रश्न है आपका कि एनसीसी उड़ान की ओर से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेज बंदी, शराब बंदी का संदेश देने के लिए सैनिक की वीर गाथा जनगण मनगण पहुंचने के लिए साइक्लोथॉन की शुरुआत कहां की गई। तो साइक्लोथॉन की शुरुआत जो की गई है ये गांधी मैदान पटना में हुआ है। अगला है महिलाओं की शिकायत को सुनने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशन को महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी। तो राज्य में कुल जो है 500 पुलिस स्टेशन को महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी पुलिस स्टेशन में। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 1 साल पूरा होने के अवसर पर उन्होंने बिहार के 21 जिले से अपने सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त सम्मान की शुरुआत की है। तो ये अध्यक्ष जो है हमारे विधानसभा के विजय कुमार सिन्हा, इनके द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो योजना सम्मान है ये शुरुआत कहाँ किया गया है, किस जिला में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिवान से शुरू किए हैं। नवंबर 2021 के बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति सम्मान जो दिया गया है ये दिया गया है कृति चक्र। अगला है नौवीं और बारहवीं छात्राओं को महामारी की जानकारी देने स्वच्छता और सफाई के विषय में, देखो यहाँ पे महामारी होना चाहिए, के विषय में जागरूक करने के किशोर अवस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूलों के स्मार्ट क्लास दिखाया जाएगा। तो स्मार्ट क्लास जो दिखाया जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहेली की सहेली। ये जो है नौवीं से लेके बारहवीं की छात्रा को महावारी की जानकारी देने, स्वच्छता और सफाई के विषय में जागरूक करने, किशोर अवस्था पर आधारित फिल्म को स्कूल में स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा और वो होगा पहेली की सहेली। अगला है किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया। मुसाफिर पासवान तो ये जो है कहाँ से, बोचहा से थे। निम्नलिखित में से कथन सत्य है, नवंबर 2021 में बरौनी बेगूसराय में 250 मेगावाट की दो परियोजना का लोकार्पण किया गया और नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में 660 फीट मेगावाट की पहली बिजली सफाई का लोकार्पण किया गया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है। बिहार सरकार किस मंत्रालय द्वारा विहान ऐप को लॉन्च किया है। तो बिहान ऐप जो लॉन्च किया गया ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दिया है बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच किया जाएगा, सही है। बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण रक्सौल से हल्दिया के बीच, दोनों कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया। तो राष्ट्रपति के द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया बिकू मल्ला संतोष बाबू को। ये जो थे बटालियन कमांडिंग अधिकारी कर्नल थे और ये इन कौन सा दिया गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36वीं बिहार बटालियन थे ये। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दिया हुआ है, कथन दिया है कि सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा स्थान और पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये 26 का आपका कथन सही है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्टेट रैंकिंग 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्य में बिहार के 13वें पायदान पे हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट जो हो जाएगा एक हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जा रहा है। तो पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार में बनाया जा रहा है, वो जिला है आपका बक्सर कैमूर।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई, जिसमें देश के 30 शहरों ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इसमें बिहार के 4 शहर शामिल हैं और वो 4 शहर जो हैं वो मुंगेर है, भागलपुर है, पटना और बेगूसराय है। पटना हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किया है। ये जिला जो है ये है आपका गोपालगंज जिला। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुयामी गरीबी सूचकांक सर्वाधिक बहुयामी के रूप में गरीब राज्य कौन है, जहां 51.91% जनसंख्या गरीब है? तो इसका करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन वेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक को कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो स्वच्छ सिटी अवार्ड किस जिले को दिया गया है बिहार के? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपौल जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजित राज। ये रजित राज जो बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल थे जिनकी मृत्यु रेल की दुर्घटना में हो गई। हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो मंकी पार्क का जो बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा आपका अररिया में। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई? तो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना जो किया गया है ये बिहार में किया गया है। गोपालगंज उद्यह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो गंगा जल उद्यह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो गंगा जल उद्यह योजना के अंतर्गत बिहार के जो शहर है वो शहर आपके हो जाएंगे नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। इन सभी शहरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार किस मंत्रालय द्वारा ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा ई संबंधन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ई संबंधन पोर्टल को लॉन्च किया गया। अक्टूबर 2021 में जारी बिहार कैबिनेट द्वारा कोरोना से होने वाले मृत्यु के लिए कितनी अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया? 4.5 लाख रुपया जो है ये एक बिहार कैबिनेट के द्वारा कोरोना में होने वाली मृत्यु के लिए अनुदान राशि देने की घोषणा की गई। अगला है 20 से लेके 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन पटना में किया गया। अगला प्रश्न है बाघों के संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील्स की हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड से। अक्टूबर 2021 में बिहार से किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल डीजल बनाने की फैक्ट्री स्थापित किया गया। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गी टर्मिनल निर्माण किया जाएगा? तो सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गी टर्मिनल का निर्माण जो किया जाएगा ये होगा आपका सारण में। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय समय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटिन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंदार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? तो मंदार में जो 20 एकड़ में फैला है जैव विविधता पार्क, इसका उद्घाटन जो किया जाएगा ये किया जाएगा आपका बांका जिले में। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज। बिहार के जिले से चौथी मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार के दरभंगा से।
हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले में पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया? तो पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय जो लिया गया है, ये लिया गया है आपका रोहतास के द्वारा, रोहतास जिले में जो है पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजना की शुरुआत की गई है। वो परियोजना का जो नाम है वो है नाभ्या परियोजना का शुरुआत किया गया है और ये पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला को स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है। उसके बाद इसका नाम है सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला है कि बनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जम्मू। सही अवरोही क्रम यही है। बिहार ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? तो बिहार में ग्रामीण सड़कों की लंबाई जो हो जाएगा ये है आपका 1,02,306 किलोमीटर। बिहार किस जिले से सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो बिहार के किस जिले में? तो बिहार के पटना जिले में दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना किस क्षेत्र में लागू हुआ है? तो छत पर बागवानी योजना का शुरुआत जो हुआ है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नालंदा। अगला है गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? तो गया में जो है वो कौन सी नदी पे? तो फल्गु नदी पे पहला रबर डैम बनाया जा रहा है। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला बना है पूर्वी चंपारण। पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 को किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो बिहार खेल रत्न से सम्मानित जो किया गया है ये खिलाड़ी का नाम है, एक तो प्रमोद भगत और दूसरे थे शरद कुमार, इन दोनों को बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार पर का पहला नगर वन बनाया गया जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया? तो ब्रह्म वन जो बनाया जा रहा है ये किस जिला में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा? तो ये पटना जंक्शन पर भारत का रेलवे के द्वारा पहली बार देश का पहला होगा ये जिसे असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये आनंद कुमार को अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है कि बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है भोजपुर में किया गया। निम्नलिखित में से किस संस्था की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये रुक्मणी बनर्जी को यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया ये किस संस्था की सीईओ है? तो ये जो है प्रथम फाउंडेशन की सीईओ है। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिहार के आकांक्षा श्रीवास्तव को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिदास शर्मा, कैमूर के हैं, इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया? तो बिहार में अवैध रूप से जो प्रवेश करते हैं विदेशी घुसपैठी उनके लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर जो है हाजीपुर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क का स्थापना जो किया जाएगा डोभी, गया में।
टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये T42 इवेंट में 1.83 मीटर का कूद में जंप लगाकर पदक जीते हैं। तो ये जो है कहाँ के हैं, किस जिले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैं शरद कुमार। रोहतास की किस पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को पांचवीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रोहतास के किस पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को पांचवीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता देवी को। सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति की गई है? तो ये पूर्णिया जिला में स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस जिले में ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। वो ब्रह्मपुर किस जिले में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के बक्सर जिले में। शहरी स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षित महिला बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इन महिलाओं को जो पुकारा जाएगा वो डीजी सखी के नाम से पुकारा जाएगा। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो किलकारी भवन में तितली उद्यान जो स्थित है बिहार के एकमात्र पटना जिले में। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है? तो मानस के अनमोल मोती के लेखक का नाम है वंदना मिश्रा। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार के किस देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार पहला अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश में पहला राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो स्टेशन पर बनाया जाएगा ये पटना जंक्शन पे। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वंशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने के पहले भारतीय बने हैं? तो जॉर्ज वंशिंगटन पाने वाले पहले भारतीय जो बने हैं ये हैं आपके पटना के रहने वाले मिर्जा रिजवान। अगला है, सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सदानंद सिंह के कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो 2004 से लेके 2005 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। पहली बार उन्होंने 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीता और कहलगांव भागलपुर से 9 बार चुनाव जीत के 2 बार मंत्री बने थे। सभी कथन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है आनंद कुमार को। अगला है, मूलतः पटना में रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई है? नीना सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान पुलिस में। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार के बांका जिले में दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से किस रेल कारखानों में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा? तो बिहार का कौन सा रेल कारखाना है? तो बिहार का जो रेल कारखाना होगा ये जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर में, जो बिहार में स्थित है। इसमें 175 टन भार उठाने वाली क्षमता का देश का पहला ग्रेन बनाया जाएगा। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ के रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार के बक्सर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NIT पटना, जो हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दिया है कि बड़े राज्यों में गुजरात पहला स्थान पर है, सही है। छोटे राज्य में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्य में बिहार को अंतिम यानी 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। सभी कथन आपका सही है। देश का पहला राज्य
कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। तो गन्ने से बनने वाले गुड़ को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बिहार का पूछ रहा है देश का कौन सा पहला राज्य होगा। तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्था आईआईटी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। आईआईटी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दिया है कि औरंगाबाद के आमस जीटी रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है, सही है। इसका औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी, सही है। 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा, सभी कथन आपका सही है एक्सप्रेस वे के निर्माण के बारे में। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस जो 17 सितंबर 2021 को मनाया जाता है, उनका बर्थडे, उस दिन आयोजित टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण मामले में बिहार कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो बिहार का स्थान जो इसमें मिला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार पहले स्थान पर रहा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई। फायर क्ले की विशाल भंडार की जो पुष्टि की गई है ये किया गया है आपका कहलगांव में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 37 नंबर, बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर जिले में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया है, इसमें बिहार के कितने स्थल शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के इसमें कुछ 5 स्थल जो है इसमें शामिल हैं। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो एड्स को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। गंगटोक सिक्किम में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया वॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य के पुरुष एवं महिला दोनों टीम चैंपियनशिप बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की। तो 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में जो व्यक्ति शिरकत किए हैं उनका नाम है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड अपने नाम दर्ज कराया है। तो इसका करेक्ट आंसर है किसलय शर्मा। किसलय शर्मा जो हैं ये बिहार के रहने वाले हैं और ये पटना के व्यक्ति हैं जिन्होंने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। बिहार पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, भागलपुर में। ये तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है भागलपुर में, भागलपुर जिले में पहली जैविक सब्जी हाट। हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन सा बना जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई। तो ये जो होगा पूर्णिया में, पूर्णिया जिला में सभी पूर्णिया के सभी जिला पंचायत में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, हेलीपोर्ट बोधगया में। अगला है कि कोसी की किस सहायक नदी पर नेपाल के 2 हाइडल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिससे बिहार को भी बिजली मिल सकेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कोशी में। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्यजीव सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया। तो वन्यजीव सप्ताह का जो आयोजन किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये किया गया है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो ये जो वृद्धि हुआ है 75 किलोमीटर वनावरण में और वृक्षावरण की बात करें तो 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो गेहूं उत्पादक में बिहार का जो शीर्ष पे जिला रहा है वो जिला है आपका बेगूसराय। वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ।
तो 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो हुआ है बिहार के रोहतास जिले में। प्रैक्टिस सेट 6 भी आपका समाप्त हो गया है, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 7। बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति जो वैडे ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लॉर्ज नामित किया, तो ये जो है रशद हुसैन को बिहार राज्य से हैं ये जो वार्डन के ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लॉर्ज नामित किया है इन्हें। अगला है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जून 2021 के आंकड़े के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर जो है ये है आपका 13.8% बिहार का बेरोजगारी दर। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को पटना में है उसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत साल 2023 तक निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया गया है, तो बाघ संरक्षण के लिए जो स्थान दिया गया है कैवा स्थान मिला है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को, तो ये हो जाएगा आपका 5वां स्थान प्राप्त हुआ है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है, तो बापू टावर का निर्माण बिहार के पटना जिला में किया जा रहा है। यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार को बिहार के किस जिले के निवासी हैं, तो यूपीएससी के टॉपर शुभम कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से हैं, तो ये बिहार के कटिहार जिले से हैं। अगला प्रश्न है बिहार के पर्यावरण विभाग द्वारा मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण किस शहर में किया गया, तो मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण जो है ये बिहार के पटना जिले में किया, पटने शहर में किया जाएगा। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में मुफ्त भोजनालय यानी रोटी बैंक केंद्र शुभारम्भ किया गया, तो मुफ्त भोजनालय या फिर रोटी बैंक कहे इसका शुभारम्भ जो किया गया है बिहार के पूर्णिया जिला में। बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकारियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये दिया गया है जितेंद्र कुमार को। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है, तो राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर जो है ये 17% करने का लक्ष्य रखा है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी, तो बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है ये जारी किया गया था 24 अगस्त 2021 को। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांसी झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है, वो मिला है आपका बिहार के शिक्षा परियोजना परिषद को। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है उदयकांत मिश्रा को। बिहार के किस जिले में स्थित जेल डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान यानी पीएम दिशा के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बन गया, तो ये देश का पहला जेल है जो बांका में है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया, तो विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह के नाम पर एक खेल परिषद का उद्घाटन किया गया है, ये बिहार के 10वीं बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में। बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर बिहार में तैयार किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में अभियान किताबदान चलाया जा रहा है जिसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के तैयार किया गया, तो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार तैयार किया गया है, ये किया गया है अनंत विजय को क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने उल्टा पढ़ लिया सॉरी। उसके बाद है बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में
राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो बिहार के किस जिले में जो है उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बिहार के पूर्णिया जिला में। देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शिता प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मोहर लगाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा। पूर्व मध्य रेल ECR के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है अनुपम शर्मा को। बिहार किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भाधारण कराने के बाद बच्चिया का जन्म पहली बार हुआ है, तो बिहार के बेगूसराय जिले में। एनेमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021-2020 के राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो बिहार को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है एनेमिया मुक्त में। उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में, थैलेसीमिया सेंटर। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना, तो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जो बना है ये हो गया है जहानाबाद। विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आध्या को। अगस्त 2021 की किस प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी का निधन हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती शरण मिश्रा को। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष के अधिक उम्र से 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना, तो बिहार का पहला प्रखंड बना है जो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को 100% टीकाकरण कर चुका है, ये बिहार का जो हो जाएगा बनकटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण का। अगला देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर कह रहा है कि बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,00,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है, तो ये अक्षय पात्र फाउंडेशन को ये जिम्मेदारी दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सौजन्य से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये राजीव रंजन प्रसाद को। देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री नीरज कुमार के द्वारा बिहार के पटना जिला में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है, तो मोइनुल हक स्टेडियम जो है काफ़ी चर्चा में और ये पटना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए कचरे से कमाई योजना की तारीफ की, तो सुखेत मॉडल पर जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की है, ये किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बिहार के मधुबनी जिले में है। अगला देखते हैं 35 नंबर, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न जिलों की रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है बिहार के वो है आपका बिहार का गया जिला को। अगला देखते हैं, बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखभाल के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, इस ऐप का नाम है हिट कोविड ऐप। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 1 से 12 कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो कक्षा 12 कक्षा तक के बच्चों के लिए जो है 1 से 12 तक के लिए ऑनलाइन पुस्तक जो है उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम रखा गया है ई लॉट्स। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा कि काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना किस कवि के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, तो अप डाउन में फंसी जिंदगी किसकी रचना है और एक काव्य संग्रह है जिन्हें
मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो काव्य संग्रह कवि कौन से हैं? तो कवि का नाम जो है वो है दिलीप कुमार। मई माह में निधन से संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो मई माह में निधन से संबंधित जो है ये व्यक्ति दिया हुआ और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। देखते हैं इसका मिलान क्या है सही। तो सबसे पहले दिया है आपको कि डॉक्टर शांति जैन, बिहार गौरव पान की लेखिका। सही है, गौरव बिहार गौरव गान की लेखिका रही डॉक्टर शांति जैन। रघुनंदन लाल भाटिया, बिहार के पूर्व राज्यपाल। पंडित चंद्रनाथ मिश्रा, प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार। उपयुक्त में से सभी आपका बिल्कुल मिलान करेक्ट है। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का जो राज्य बिहार बना है ये कैमा है, तो ये राज्य आपका पहला हो जाएगा। नवीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले में मिली है? तो नौवीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति जो है ये बिहार के पटना जिला में मिला है। अगला है कि बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह है रोहतास में। अगला है माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो, वैसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे से अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशन की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पटना जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है 30 रेलवे स्टेशन में। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजलीघर बनाया जा रहा है? तो तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजलीघर बनाया जा रहा है ये भागलपुर और पूर्णिया में। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सुपौल और दरभंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के सुपौल और दरभंगा जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर का निर्माण किया जा रहा है। डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो मेरी यादें का लोकार्पण फागु चौहान के द्वारा किया गया। 47 नंबर है, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत सघन पौधारोपण अभियान चलाकर 2021-22 में राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो राज्य में 2 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल का जो बिहार में वृक्षावरण है कुल ये हो जाएगा आपका 2.48%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल संघनता सर्वाधिक किस जिले में है? तो बिहार में फसल संघनता सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो शिवहर जिला में है। बिहार में 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी तो ये था 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो चक बिहार एप्लीकेशन जो है ये बिहार में चकबंदी के लिए शुरू किया गया है और ये किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा इसे विकसित किया गया है। भारत का पहला ऑनलाइन एग्रो हैकाथॉन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन बिहार के भागलपुर जिले में आयोजित किया गया। जून 2021 में किस सरकार ने यह घोषणा की कि सरस्वती भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? जून 2021 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि जो भी सरकारी भवन बनाया जाएगा उसमें फ्लाई ऐश से बनी ईंट का उपयोग किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार ने यह घोषणा किया है कि सरकार से संबंधित जो भी सरकारी भवन होगा उसका निर्माण फ्लाई ऐश ईंटों से किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की शुरुआत की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के द्वारा।
जुलाई 2021 में जुलाई 2021 में केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार से केवल 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया। सही है, पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, ये भी सही है। राम प्रसाद सिन्हा को इस्पात मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। सभी कथन आपका सही है ई कैबिनेट के बारे सॉरी कैबिनेट मंत्री के बारे में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के शैक्षणिक स्तर पर सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए ये जो किया गया है सुनांदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वर्ष 2020 से 21 में बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा? तो बिहार का जिला जो मछली उत्पादन में शीर्ष पे रहा वो जिला है आपका ऑप्शन नंबर बी मधुबनी जिला। बिहार की किस महिला किसान को वर्ष 2020 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वंदना कुमारी को। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा युवा एवं महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। गर्भवती और नवजात शिशु को मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार द्वारा अनमोल ऐप को लॉन्च किया गया? तो गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए जो अनमोल ऐप को लॉन्च किया गया है ये किया गया है आपका बिहार के द्वारा। अगला देखते हैं 11 नंबर, नीति आयोग और UNDP द्वारा जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला है? तो टॉप 20 में जो बिहार का जिला है वो है आपका, एक तो मुजफ्फरपुर भी है, औरंगाबाद भी, अररिया, ये तीनों जिला जो है टॉप 20 में शामिल है। बिहार के किस नदी पर डंगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो डंगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण बिहार के कोसी नदी पर किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ई संबंध पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो राज्य सरकार के द्वारा ये जो किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ई संबंध पोर्टल, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार सरकार के द्वारा। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिला के लिए कितने प्रतिशत सीट को आरक्षित किया गया है? तो महिला के लिए इसमें 33% सीट को आरक्षित किया गया है। बिहार के भागलपुर से GI प्रमाणित जर्दालु आम की पहली कमर्शियल खेप किस देश में भेजी गई? तो ये ब्रिटेन में सबसे पहले भेजी गई है जर्दालु आम की एक खेप को। बिहार के किस जिले में डंगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पे किया जा रहा है, ये तो देख लिया आप, किस जिले में किया जा रहा है तो ये सुपौल जिला में। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बिहार के किस जिले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान शुरू की गई? तो टीका वाली नाव अभियान शुरू किया गया है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन ने भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की है? तो ये आरा जंक्शन ने भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये जो है टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ कैंसर अस्पताल बनाने के लिए बिहार सरकार ने समझौता किया है। अनामिका शर्मा ने भारत का सबसे कम उम्र के स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया, उनका संबंध किस राज्य से है? अनामिका शर्मा ये जो है सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है और ये जो है बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार के किस जिले में स्थित नवीन नगर पावर जेनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गया। कोरोना संकट में मानव सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक कौन बने? तो बिहार के पहले विधायक जो बने हैं पवन जायसवाल बने हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो कृषि उत्पादक में निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो जो बनाया जा रहा है ये फतुहा में बनाया जा रहा है। 24 जुलाई 2021 में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पटना में किस पुस्तक का विमोचन किया? तो पटना में जो पुस्तक का विमोचन किया ऑपरेशन खुकड़ी है। 25 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान जो प्रदान किया गया है
ये दिया गया प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राज्य का पहला राज्य जो है वो कोरोना काल में मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए पार्क का निर्माण किया गया और ये पार्क जो है बिहार में बनाया गया। अगला देखते हैं 27 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी SDC रिपोर्ट 2020-21 में 52वें अंक के साथ बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार का जो स्थान प्राप्त हुआ है ये सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। GST काउंसिलिंग ने बिहार के किस मंत्री को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में सदस्य मनोनीत किया है? तो GST काउंसिलिंग ने बिहार के एक मंत्री हैं जिन्हें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में मनोनीत किए हैं, वो मंत्री हैं आपके तार किशोर प्रसाद, यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री। त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायत का कार्यभार संभालने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायत का कार्यभार संभालने वाला बिहार का पहला जिला जो बना है ये शिवहर बना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो 10 लाख तक के युवाओं का ऋण दिया जाएगा। रेल कर्मियों द्वारा रचित कविता कार्य के लिए बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया। हाल ही में लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता कौन बने? तो लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता जो बने हैं ये पशुपति कुमार पारस बने हैं। बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार ये जो है बिहार सरकार के द्वारा टीकाकरण अभियान पर शुरू किया गया है कर दिखाएगा बिहार के तहत 6 महीने में कितने लोग का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 करोड़। 6 महीने में 6 करोड़, यानी 1 महीने में 1 करोड़। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान जो रहा है ये रहा है तीसरा। SDG इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर कितनी है? तो प्रति 1 लाख आबादी पर जो एक्सीडेंट से मृत्यु दर है ये हो जाएगा आपका 6.00। भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा देने में बिहार के किस जिले की शाखा ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवादा ने। बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W का निर्माण किया जा रहा है, ये पटना के किस जिले से जोड़ेगा? ये तो पटना को जो है बेतिया पश्चिमी चंपारण से जोड़ेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया? तो बिहार ने अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है ये बनाया है दक्षिण अफ्रीका को। बिहार के किस व्यक्ति को विश्व हिंदी परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो विश्व हिंदी परिषद का अध्यक्ष चुना गया है ये बने हैं डॉक्टर रविंद्र नारायण। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई? तो गरिमा गृह की जो स्थापना किया गया है ये किया गया है आपका ट्रांसजेंडर को सशक्त बनाने के लिए। हाल में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार बिहार में कितनी महिलाओं के पास रोजगार उपलब्ध है? तो बिहार में 6.6% महिला के पास रोजगार उपलब्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई? तो परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा शुरू किया गया। पूर्वी मध्य रेलवे के किस मंडल को निर्धारित समय पर रेल परिचालन में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है समस्तीपुर रेलवे को, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक टीवी मुक्त बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो बिहार सरकार ने टीवी मुक्त जो है करने का लक्ष्य रखा है ये 2025 तक का। बिहार दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम जो है ये रखा जाएगा, रखने की घोषणा की गई है विद्यापति के नाम पर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिहार की किस लेखिका को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूनम आनंद को साहित्य गौरव पुरस्कार, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र कार्ड योजना की शुरुआत की गई? तो बाल मित्र
कार्ड योजना की शुरुआत जो की गई है ये बिहार के द्वारा। बिहार के मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका भाषा को किस राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये झारखंड में दिया गया है द्वितीय राज्य का दर्जा। बिहार में वर्तमान में चल रही 13 लघु जल विद्युत परियोजना की कुल संस्थापति क्षमता क्या है? संस्थापित क्षमता जो है ये हो जाएगा आपका 54.3 मेगावाट। शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो वर्तमान स्तर हो गया है 15.3%। अब प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9 शुरू होता है। अगला देख पहला क्वेश्चन है इसका, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अरवल को घोषित किया है। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मकथा इनका मेरा जीवन संघर्ष, किस देश के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका के विश्वविद्यालय में इसे पढ़ाई जाएगी। राज्य में 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने द्वारा मिशन 5.0 की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चे के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किसी योजना की शुरुआत की गई है, वो योजना कौन सी है? तो वो योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। अगला प्रश्न है, फजाई द्वारा बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नवेदम को ब्लेसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फजाई के द्वारा बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नवेदम को ब्लेसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये दिया गया है पटना के महावीर मंदिर को। उसके बाद है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया, इसके लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ये लेखक जो है, इसके लेखक का नाम जो है ये हो जाएगा आपका अनुराग आनंद। अगला है सात नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी जी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मेवालाल चौधरी के बारे में है कि वो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तारापुर सीट से चुनाव जीता था और बिहार तारापुर से दो बार विधायक बने। सभी कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं प्रश्न, हाल ही में कबार से गोरैया की कलाकृति बिहार के किस जिले में बनाई गई? तो कबार से गोरैया की कलाकृति जो बनाई गई है ये पटना में बनाया गया है। भारत में जल निकाय को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? तो भारत में जल निकाय को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार देश का जो राज्य बना है वो पहला राज्य बना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिलों में जो जिला प्रथम स्थान पर रहा है वो जिला है आपका नवादा, जिला प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया? तो बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया जिला में खोला गया। उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप जो है ये समस्तीपुर जिला में खोला गया। फिर से रिपीट करते हैं, उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप समस्तीपुर जिला में खोला गया। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड कटिहार जिले में बनाया जाएगा। कटिहार में बनाए जा रहे सुपर ग्रिड के संबंध में कथन में से कौन सा सही है? तो दिया है कि गया और रोहतास के बाद बिहार का तीसरा सुपर ग्रिड होगा, करेक्ट है। इसकी क्षमता 765 किलोवाट होगी और इन तीन देश हैं इसमें शामिल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बिजली लाइन से जोड़ने वाला बिहार पहला राज्य है। सभी कथन आपका सही है सुपर ग्रिड के संबंध में। वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत पहली बार बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कौन है? नितिन गडकरी ने 10.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके तहत मुंगेर से मिर्जापुर चौकी के बीच किस राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH80 को किया जाएगा।
16 नंबर प्रश्न है, गांधीवादी और समाज सेवी द्वारिकाओं सुंदरानी जिनका निधन हो गया हाल में ही, उनका संबंध किस आश्रम से था? द्वारिका सुंदर रानी जो एक गांधीवादी और समाज सेवी थी, इनका संबंध जो है शंबनय आश्रम से था। बिहार में पहली बार किस दलहन के सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2021 से शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चना और मसूर। ये जो है चना और मसूर बिहार में पहली बार सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो गई है। 18 नंबर प्रश्न है, दिल्ली हार्ट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हार्ट बनाए जाएंगे, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से किया जाएगा? तो हार्ट, दिल्ली हार्ट के तर्ज पर जो है बिहार के विभिन्न शहरों में हार्ट बनाया जाएगा और इसका इसका शुरुआत जो है ये सर्वप्रथम किया जाएगा दरभंगा से। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीटें यानी 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% आरक्षण बिहार की लड़कियों को मिलेगा। मई 2021 में बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीन नगर के सभ्यता मधुबनी जिले से प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 121 वैक्सीनेशन वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया, जिसे नाम दिया गया। तो 121 वैक्सीनेशन वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया है, जिसका नाम है टीका एक्सप्रेस। बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया? तो बिहार के दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का निर्माण किया गया। मई 2021 में देश का पहला एग्री हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो एग्री हैकाथॉन जो देश का पहला होगा, इसका आयोजन किया गया है, ये किया गया है कृषि विश्वविद्यालय शाबौर भागलपुर में। उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया? तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ जो किया गया है ये बिहार के पटना जिले में। बिहार सरकार द्वारा ताजी सब्जी की आपूर्ति के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा ताजी सब्जी उपलब्ध कराने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस वेब पोर्टल का नाम है तरकारी मार्ट। लोगों को गैर मोटर चालित परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा? तो राजधानी पटना में जो एक स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा, उस स्ट्रीट का नाम है हैप्पी स्ट्रीट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो कितना प्रतिशत में वनावरण है भौगोलिक रूप से? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.84%। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? तो अभी वर्तमान में नक्सल क्षेत्र में जो जिला है वो टोटल जिला है, इसमें दिया गया है 10 जिला अभी भी बाकी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो नई पहल की शुरुआत किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिससे बिहार के शहरों में बुनियादी ढांचों में क्या हो जाए, सुधार किया जा सके, इसके लिए ग्रीन फील्ड टाउनशिप की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को हाल ही में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो विकास दिवस के रूप में किसके जन्मदिवस को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाया गया। लगभग 14 वर्ष से लंबित बिहार के सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कचरा और पीरपैती परियोजना कहाँ स्थित है? तो कचरा और पीरपैती परियोजना जो है ये 14 वर्ष से लंबित है, बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना है, और इसका ये परियोजना जो स्थित है, ये परियोजना स्थित है लखीसराय भागलपुर। वर्तमान में बिहार में लागू कृषि रोड मैप 3 की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? तो कृषि रोड मैप की जो अवधि है ये बढ़ा दिया गया है, कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है कृषि रोड मैप 3 की अवधि को। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो बिहार राज्य में कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो बनेंगे ये होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला देखते हैं,
किस टेलीकॉम कंपनी ने पीएम वाणी योजना के तहत बिहार में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट्स लगाने की घोषणा की है? तो गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट बीएसएनएल ने घोषणा किया है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना को पुनर्जीवित किया गया? तो बिहार सरकार के द्वारा योजना को जो पुनर्जीवित किया गया है वो योजना है आपका सतघरवा जलाशय योजना। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के किन शहरों को जोड़ा गया है? तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के शहर को जो जोड़ा गया है वो है सीतामढ़ी, दरभंगा, बक्सर, ये सभी को जोड़ा गया है। हाल ही में मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मिथिला रत्न सम्मान से जो सम्मानित किया गया है ये किया गया है कृष्ण कुमार ठाकुर को। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? तो बिहार का पहला शहर जो आयुध निर्माण शहर बना है वो है आपका राजगीर। अगला देखते हैं 39 नंबर। 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? तो शिल्प कला म्यूजियम जो है ये बिहार के पटना जिले में बनेगा। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 में मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया? तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 जो दिया गया है ये स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा को दिया गया है। 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट के बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई है? तो कैबिनेट के बैठक के अनुसार जो कितने जिले को बालू खनन को मंजूरी मिला है तो टोटल 8 जिला को दिया गया है। जून 2021 में पटना एम्स में 2 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया? तो 2 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों पर जो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है ये कोवैक्सीन की गई है। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई निश्चय पोर्टल जो बिहार में लॉन्च किया गया है ये पंचायती राज विभाग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है अभी तक कुल 15 बार नीतीश कुमार ने बिहार में गांधी मैदान में झंडा फहराया है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों को जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? तो गंगा नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर का निर्माण जो किया गया है ये टोटल कितने हो जाएंगे जिले? तो इसमें टोटल जिला जो आ जाएगा वो आएगा आपका 13। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर कि हाल ही में कौन सी पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाले बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? तो पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली पहली मुस्लिम लड़की जो बिहार में बनी है वो है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखिएगा, जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही है तो ये रहा है 2.3% की वृद्धि। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही है? तो राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो रही है ये 350 किलोवाट पर आवर रहा है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली का उपलब्ध क्षमता क्या थी? तो राज्य में जो बिजली की उपलब्धता की क्षमता थी ये रहा है 6073 मेगावाट। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9 भी समाप्त हो गया है एंड लास्ट प्रैक्टिस सेट 10 नंबर है, इसे देखते हैं। बिहार का दूसरा खादी मॉल बिहार के किस जिले में खोला गया है? तो बिहार का दूसरा खादी मॉल जो है ये खोला जाएगा दरभंगा में और पहला पटना में खोला गया। अगला, हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा के लिए जो बिहार का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है ये अनामिका को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई? तो ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत जो है ये बिहार के भोजपुर जिले में की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मार्च 2021 में देश के
देश के दूसरे एवं बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन राजगीर में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। 5 नंबर देखिए, देश के पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया? तो देश के पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन पटना में किया गया। बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार देश का कौन सा राज्य जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है? तो ये राज्य हो जाएगा आपका पहला, बिहार राज्य पहला होगा जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है। बिहार दिवस 2021 एवं 2022 का थीम क्या रखा गया? तो बिहार दिवस जो मनाया गया 2021 और 22 में, इसका थीम रखा गया था जल जीवन हरियाली। परिनिर्वाण की मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? तो परिनिर्वाण की मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो बनाई जा रही है, ये बिहार के बोधगया में बनाया जा रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में राजधानी पटना को जो स्थान प्राप्त हुआ है, ये 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन दो नदियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी मिली है? तो कोसी और मेजी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस दो नदी को जोड़ने की मंजूरी दी गई है। दो हरित ऊर्जा शहर वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया, ये शहर क्रमशः है। तो दो हरित ऊर्जा शहर वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया और ये शहर जो है, ये शहर राजगीर है और बोधगया है। अगला है, बिहार के किस फिल्म अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो पंकज त्रिपाठी को, ये जो है, सॉरी पंकज त्रिपाठी मिस्टेक हो गया, मनोज वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोज वाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बिहार के किस जिले के बीरपुर में देश के दूसरे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो देश के दूसरे सबसे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण जो बिहार में किया जा रहा है, ये किया जा रहा है सुपौल में। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है। 15 नंबर प्रश्न देखिए कि बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं प्रयागराज के संगम तट की भांति विकसित किया जाएगा? तो बिहार के जिला में, बिहार का सिमरिया घाट को हरिद्वार और प्रयागराज के संगम के तट के तरह इसे विकसित किया जाएगा, ये कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये सिमरिया जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन जो किया गया, ये किया गया है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। मार्च 2021 में बिहार के किस निर्माण कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया और उसे विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो निर्माण कार्य में सबसे वेस्ट जो रहा है, सर्वश्रेष्ठ के लिए इसको पुरस्कार दिया गया है, ये रहा है महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार, और इन्हें विश्वकर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है, ये है आपके अंजलि, कहाँ की है, ये बिहार की ही है। किस परियोजना के तहत मुंडमाल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा कर टीम पटना पहुंचेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अतुल्य गंगा परियोजना के तहत मुंडमाल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत होगा कि 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर टीम पटना पहुंची। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो दिया है वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा है, सही है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं और वर्तमान में बिहार विधानसभा के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं, सभी आपका सही दिया है। आईपीएल के तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में किया गया, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल के तर्ज पर बिहार क्रिकेट टीम लीग का आयोजन पटना में किया गया और इसका खिताब जो जीता है, वो टीम है आपका दरभंगा डायमंड्स। 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा के
कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 100 वर्ष बिहार विधानसभा के पूरे हो गए हैं। अगला है 24 नंबर प्रश्न कि ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार जो है ये पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार जो है समझौता किया है यूएनईपी के साथ। अगला देखिए, बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो किस झील को सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो सामुदायिक रिजर्व जो गोगाबिल झील जो कटिहार में है इसे घोषित किया गया है। अगला है 27 नंबर प्रश्न कि बिहार के उद्यान या अभ्यारण में देश का प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया ये कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया गया जिसे नाम दिया गया। तो पॉडकास्ट जो लॉन्च हुआ है ये बिहार में भोजपुरी फिल्म से रिलेटेड है, तो ये किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है धरती मैया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप और अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया? वंडर ऐप और अश्विनी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार का पहला और देश का चौथा वोड रनिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो बिहार का पहला और देश का चौथा होगा ये वोड रनिंग सेंटर, और ये जो बिहार के जिले में स्थापित किया जाएगा ये बिहार के भागलपुर जिले में, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 31 नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 100% साक्षरता का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है ये 2030 तक का बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। फरवरी 2021 में बिहार कृषि विभाग द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरवरी 2021 में बिहार कृषि विभाग द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया है और ये बिहार के पटना में किया गया। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो पहला तो पटना में है ही, और दूसरा जो बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है अररिया में। जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार का जो स्थान प्राप्त हुआ है ये बिहार का स्थान हो जाएगा इसमें 13वां। निम्नलिखित में से किस पार्टी को हाल में बिहार राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया? तो बिहार राज्य पार्टी का जो दर्जा दिया गया है ये दिया गया है भाकपा माले को। मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? मेगा फूड पार्क ये बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में बनाया जाएगा। अगला देखते हैं 37 नंबर, वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? तो 2020 और 21 के आंकड़े के अनुसार बिहार में जो मछली का उत्पादन रहा है ये रहा है 6.83 लाख टन। 4 मार्च 2021 को मैला आंचल एवं मारे गए गुलफाम जैसी पुस्तकों के लेखक की 100वीं जयंती मनाई गई, इसमें ये कौन से थे? तो मैला आंचल ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु की। और अभी हाल ही में हम क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस सेट 1 या 2 में बताए थे आपको कि इसे जापान के विश्वविद्यालय के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया है, आप लोग इसे कॉमेंट करके बताएंगे, और किनके द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया है। मार्च 2021 में नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिजर्व यानी एनसीएईआर द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किया गया जिसमें बिहार का जो स्थान मिला है इसमें बिहार का स्थान 8वां है। 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन 27 फरवरी याद रखिएगा का उद्घाटन जो किया गया है ये किया गया है शरद अरविंद बोबरे के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दिया है इसमें कि गाछ रुशल अच्छी के कमलकांत झा की मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो इनकी यही कृति थी गाछ रुशल अच्छी के लिए इन्हें कमलकांत झा को मैथिली साहित्य का अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 2020 में किया गया। हुसैन उल हक को उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया, और मैथिली में सिया राम झा को सरस के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो सभी कथन आपका सही है। बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार का कांवर झील जो है ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, सी बिल्कुल करेक्ट है।
हाल ही में बिहार के शाही लीची को पहली खेप किस देश में निर्यात की गई? तो शाही लीची को जो पहली खेप निर्यात की गई है ये किया गया है ब्रिटेन में। अगला है कि किस राज्य के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए नेचर क्योर्स यू यानी प्रकृति आपका इलाज करती है अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार ने ये शुरू किया है। 45 नंबर है, बिहार में किस कार्यक्रम के तहत डीडी बिहार पर 9वीं और 12वीं छात्रों के लिए कक्षा किस नाम से ऑनलाइन शुरू की गई है? तो 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए जो ऑनलाइन कक्षा शुरू होगा ये टीवी का कार्यक्रम के तहत डीडी बिहार पर ये होगा आपका मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड 19 सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है? तो बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने किया है और ये बिहार के पटना जिले में किए हैं। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र जो है ये हो जाएगा आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो बिहार के जो पूर्णिया जिला है इसमें ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। अगला देखिए, वर्ष 2019 के प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली यानी SRS के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है? तो SRS के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है ये 2019 के अनुसार ये हो जाएगा आपका 29 मृत्यु प्रति हजार जीवित प्रसव पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है ये आपका कि वर्ष 2021 से 22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.0% जो है ये बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत था। तो ये हमारा प्रश्न था जो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज था ये समाप्त होता है। फाइनली आपका बिहार स्पेशल जो एडिटोरिया का बुक था वो कंप्लीट मैंने करा दिया है। इसका एक पार्ट हमने अपलोड किया था जिसमें मास्टर वीडियो वो भी था, जिसमें हमने सारे टॉपिक वाइज और जो भी वन लाइनर थे उसे कंप्लीट किया था और आज इस वीडियो में हमने 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त किया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमें पढ़ने में कहीं पर मिस्टेक हो गया हो तो उसे आप लोग नज़रअंदाज करके उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, कोशिश करेंगे हम अगले वीडियो में उसे सुधार कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।